हाँ जी, अभी जो गुलशन खिला हुआ है, हाँ जी, इसका मतलब उसे चेंज करना है, तभी तो कोई नया गुलशन बनेगा। बीजेपी वाले कहते हैं कि वो तमंचे की फैक्ट्री लगाते थे, हम लगा रहे हैं तोप की फैक्ट्री। शुरू कर रहा हूं भाई, ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं आप तमंचे की फैक्ट्री लगाते थे। जनाबे आली, योर रिप्लाई। देखिए, अभी पाजी ने एक बात कही थी कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। 14 फरवरी के लिए बरेली से भाजपा साफ और 10 मार्च के लिए उत्तर प्रदेश से साफ। साफ साफ साफ। पहला तारीख बताई आपने, 14 फरवरी बरेली से, हाँ, 9 के 9 साफ, हाँ, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से सफाया। सफाया। और ममता बनर्जी आके अभी बयान दे गई हैं कि यूपी से अगर बीजेपी साफ तो पूरे, हाँ मैं अब आ रहा हूं, तो पूरे देश से बीजेपी साफ। जनाबे आली, खड़े होइए। सलीम खान है मेरा। हाँ जी। और मैं भाजपा से लगता हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा से। मेरा कहना का यही मतलब है, हाँ, कि जो योगी जी ने किया वो किसने ने किया। हर घर में राशन दो बार, महीने में दो बार राशन दे रहे हैं योगी जी। मोदी जी ने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बीमारी का बनाया गया, किस सरकार ने करा, किस सरकार ने ऐसी योजना निकाली। गरीब के घर में 2 महीना राशन, हर गरीब का कच्चा मकान बन गया, हर गरीब के घर में कच्चे पन्नी उतर के मकान बन गए, और सारे सरकारें रही, किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ जी, महिलाओं पे लाठी किसी ने नहीं चलवाई, सिर्फ भाजपा ने महिलाओं पे लाठी चलवाई। दलितों की जो आपने देखा होगा हाथरस कांड, महिला को चलवाया, रात रात चलवाया, ये सिर्फ किसी ने नहीं, भाजपा ने करवाया, किसी ने नहीं करवाया। मैंने मैंने एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक बार चचा चचा महिलाओं का सम्मान सिर्फ योगी जी ने किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने किया सिर्फ योगी जी ने, योगी जी ने, मोदी जी ने सिर्फ सम्मान लड़कियों को, महिलाओं को, सबको योगी जी ने सम्मान दिया। भाजपा ने विभाजन करा दिया देश का, नफरत, नफरत पैदा कर दी देश में, समाज में नफरत पैदा कर दी। 2014 से इस देश में जो नफरत का जहर बोया जा रहा है वो आज समाज में दिखाई दे रहा। मीडिया की इसमें कोई भूमिका नहीं, ये तो राजनीतिक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। चाहे साहब इधर से हो या उधर से हो, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में शपथ ली थी, कही थी कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी छोड़िए, किसानों की हाय दुगनी हो गई है। आजकल हर हाय कर रहा है किसान। किसानों से ज्यादा सम्मान अगर किसी, आज तक भारत के किसी भी, हाँ जी, आप खड़े हुई अब देखिए, प्लीज लिसन। हाँ जी, ये गुलशन जो सजा है ना, ये गुलशन जो सजा है पंजे की वजह से सजा है। 70 साल राज किया इस पार्टी ने, और क्या नहीं दिया देश के लिए, सब कुछ दिया, एक स्विच से लेके एक फावड़े से लेके हर चीज इस पार्टी ने दी है, जिसका नाम कांग्रेस है, जिसका नाम कांग्रेस है, इसने सब कुछ दिया देश के लिए, और अन्य लोगों ने सब इन्हें लूटा है और कुछ नहीं किया है। क्या कांग्रेस, क्या पार्टी। जनाब, माफी के साथ प्रभाकर जी अपनी बात कहिए। सर, मैं सबसे गुजारिश करूंगा, पहली बात तो ये कि मेरी अंतरात्मा की और दिल की करुणा को समझें और बहुत ध्यान से सुने। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी पत्नी 2017 28 अगस्त से क्रोनिक डिजीज, इससे परेशान है, किडनी फेलियर से, और अभी 6 महीने पहले से उसको शुगर हुआ। 750 फास्टिंग, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, क्योंकि रैंडम लगभग वो 1150 बैठती है। अभी हफ्ते भर उसको ठीक तरीके से व्यवस्था करके उसको हॉस्पिटल में मेडिसिटी में भी। बात क्या कहना चाहते हैं साहब? बात सर जी कहना, फादर मेरे 9 ऑपरेशन हो चुके हैं, मदर की मेरी 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, और आई एम ओनली द पर्सन जो इज कैरी द अर्निंग। हाँ, अब क्या काम कर रहे हैं आप? मैं सर पहले ट्रेडिंग का करता था, फिर रेस्टोरेंट खोला कोविड की वजह से, उसमें करीबन 15-16 लाख रुपए का नुकसान उसमें भी हुआ। सर, मैं कहना यह चाहता हूं कि सेंटीमेंट कब तक चलेगा? मेरी वाइफ की दवा बेंटोर का एक इंजेक्शन आता है, MRP उसकी होती है 1500 रुपए की, जो जोड़ तोड़ से भाग दौड़ के 350 का भी मिल जाता है, 600 का भी मिल जाता है, आजकल 750 का ला रहा हूं,
एमआरपी इंजेक्शन हफ्ते में दो बार लगता है और एमआरपी 1500 है सर। जीवन रक्षक जो सर ह्यूमन ग्लोबुलिन बनता है जिससे, वो हफ्ते में दो बार इंजेक्शन लगवाता हूँ 1500 रुपए का। लगभग ऑन इन एवरेज पहले 600-700 रुपए की जो दवा आती थी, आज 1250 रुपए पर डे की दवा बैच की आती है सर। और पहले वो सुबह से लेकर शाम तक, आज मैंने खाना बनाने वाली भी रखी कैसे करके, आज कपड़ा धोने बनी भी है, आज बर्तन वाली भी घर में लगी हुई है। आई हैव नो एनी वर्ड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ की मैं कैसे, हाउ टू मैनेज माई फैमिली, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। सर प्रभाकर जी,